नागार्जुन में शंख चूर्ण का किरदार अदा करने वाले मृणाल जैन की जिंदगी भले ही रियल लाइफ में बेस्वाद और बेरंग हो, लेकिन रियल लाइफ में उनकी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे रंग हैं जो आज आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग मुंबई, मैं हूँ मृणाल जैन। और आप सोच रहे हैं कि मैं नागार्जुन के सेट को छोड़ के यहाँ क्या कर रहा हूँ? आज एक्चुअली मेरी छुट्टी है, तो सोचा कि जब पृथ्वी लोक पे आ ही गया तो नाग को स्विमिंग के लिए भी जाना चाहिए। इट इज़ द बेस्ट वे टू कनेक्ट टू योर सेल्फ, बिकॉज आप अगर आपका माइंड रिलैक्स होगा तो आप अच्छा काम कर सकते हैं, आप 10 चीज़ें नहीं सोच सकते हैं। अब स्विमिंग हो गई है, एक घंटे स्विमिंग की है, तो फिर मेरे ख्याल से अब भूख तो ज़्यादा लगती है। उसके बाद जैसे ही वर्कआउट किया तो भूख लगती है, वैसे ही स्विमिंग के बाद भी बहुत भूख लगती है, तो अब मैं आपको घर ले जाऊंगा। तो चलिए मैं आपको घर दिखाता हूँ। आइए, सबसे पहले मैं चलता हूँ। बेसिकली 3 BHK है, तो सबसे पहले हमारे घर के जो मास्टर है, मेरे डैड मॉम, तो मास्टर्स रूम चलते हैं। बहुत ही सिंपल बनाया है घर। 14 साल हो चुका है मैं यहाँ आ चुका हूँ, और 14 साल से इस घर में रह रहा हूँ। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है इस घर में, और यहाँ से ही मेरी बरकत हुई है। अगर आप देखिए, एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है मेरे घर में कि बैल्कनी नहीं है लेकिन एक विंडो है। क्या होता है, वेंटिलेशन तो होता ही है, लेकिन अगर आप विंडो बनाकर एक छोटे छोटे प्लांट्स रखेंगे तो आपको वो फ्रेशनेस लगेगी, और आपको वो कहते हैं ना कि प्लांट से ऑक्सीजन आता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि प्लांट से पॉजिटिविटी आती है, ग्रीनरी आती है घर में। आई तो ये है प्रिंस का कमरा, यानी कि मैं ऐसे कहता हूँ शेर की गुफा। ये है जीतो मुंबई प्रीमियर लीग T20। जैसे IPL होता है, वैसे अपनी अपनी कम्युनिटी में कुछ क्रिकेट टीम होती है, जिनकी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिनकी एक लीग आती है। तो मुझे वहाँ पे जब मैं गया था तो मुझे सम्मानित किया गया था। दीवार के भी कान होते हैं, तो यहाँ दीवार पे बहुत सारी तस्वीरें हैं जिनके कान हैं। मेरे बचपन से शुरू करता हूँ। माँ की इच्छा थी कि लड़की पैदा हो, माँ की इच्छा थी कि लक्ष्मी पैदा हो, लेकिन पैदा हो गया रावण, तो अभी उसका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन रावण राम में बदल गया, तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि जब परिवर्तन होता है तो ये कहते हैं कि इसे कहते हैं परिवर्तन। रोमांटिक तो बहुत है, बोल सकती हूँ। देखिए, कभी कभी ऐसी चीजें होती है जब ये गाड़ी में बैठी होती है, तो मैं उन्हें बोलता हूँ चलो आज ये खाने चलते हैं, तो बोलते मेरे मन में था ये खाना जाना है मुझे। एक्चुअली कितनी बार ऐसा होता है, इट्स लाइक यू नो, मेरे दिल की बात बहुत जल्दी जान लेता है, मेरे से पहले बोलने से पहले जान लेता है। तू सफर मेरा है, तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा दिल है मुश्किल।
वार्डरोब, सबसे पहले मेरा वार्डरोब दिखा दो क्योंकि मेरा बहुत छोटा वार्डरोब है, फटक से शुरू होते ही खत्म हो जाएगा। ये सारी टी शर्ट्स है, सब ऑर्गेनाइज इसीलिए है क्योंकि ये मैंने बिल्कुल नहीं किया है। बाद में मेरे सारे सूट्स, ये मेरी डेनिम्स हैं, सब एक जगह टी शर्ट्स ऑर्गेनाइज है, एक जगह लोअर्स ऑर्गेनाइज है, तो डेनिम्स भी है। पहनता नहीं हूँ लेकिन मुझे अच्छे लगते हैं, कभी कभी पहनता हूँ कभी कभी नहीं पहनता हूँ। स्वीटी का वार्डरोब है, इसके अंदर छिपकली जरूर होगी, इसे खोलना मुझे ही पड़ता है। चलिए ठीक है, आज हम मैं बनाने जा रहा हूँ पीनट बटर टोस्ट, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस है मेरे ख्याल से। कितना अच्छा लगता है ना जब भी कोई ऐसे काम करते हुए देखते तो हरदम रोज किंग की तरह आराम की तरह बैठ के नाश्ता मिलता है एकदम वेट टी टाइप से। मैं 9 साल में पहली बार डैडी कैमरा के सामने आया मेरे साथ। बहुत हाँ, बहुत सालों के बाद हम लोग सामने नाश्ता कर रहे हैं। बहुत कभी मौका नहीं आता है क्योंकि मैं सुबह जल्दी ऑफिस चला जाता हूँ, ये लेट नाइट होने से शूटिंग से सुबह लेट उठता है, मैं निकल जाता हूँ। नहीं, बहुत अच्छा नाश्ता बनाया और मेरा फेवरेट है जो उन्होंने नाश्ता बनाया। मैं इवन पर्टिकुलर ब्रेड तो नहीं खाता लेकिन जो उन्होंने खाखरे के साथ जो बनाया वो मैं उसका बहुत बहुत उसका फेवरेट हूँ। नहीं नहीं, ये बहुत मस्ती को होता है। इवन स्कूल से तो उसको स्कूल में तो उसको बोल दिया था कि ये लड़के को आप किधर दूसरी जगह भेजो नहीं तो हम इसको स्कूल से निकाल देंगे, जब वो 5 साल का था। तो फिर हमने उसको 5 साल की उम्र में हॉस्टल में भेज दिया था। अच्छा, ये सुना है कि जितना बड़ा नारियल होता है उतना ही पानी कम होता है, राइट राइट है ना? से हाय टू एबीपी न्यूज। कैसे हो आप? थैंक यू सो मच एबीपी मेरे साथ पूरा दिन गुजारने के लिए। इसी तरह देखते रहिए एबीपी न्यूज़, मैं आपके साथ फिर से दोबारा आऊँगा कुछ नई चीज़ों के लिए।